माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल डिजिटल एनआरबी। वंदे मातरम दोस्तों, जय हिंद जय भीम। आज आप सभी के लिए लेकर आए हैं मौलिक अधिकार का दूसरा वीडियो। पहले वीडियो के अंतर्गत आप सभी को दो मौलिक अधिकारों के बारे में बताया, हमने डिटेल किया। मौलिक अधिकार हम लोगों को टोटल 6 मिले थे, संविधान जब बना उस समय 7 मिले थे, लेकिन बाद में संशोधन प्रक्रिया द्वारा 6 कर दिया गया। दो मौलिक अधिकार हम लोगों का हो गया है। अब बचता है 4 मौलिक अधिकार। 4 मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो हमारा तीसरा मौलिक अधिकार है वह शोषण के विरुद्ध अधिकार, क्योंकि पहला था हमारा समता का अधिकार, दूसरा था स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 22 तक हमने अगले वीडियो में ही बताया है, आर्टिकल 23 से आज हम शुरू कर रहे हैं। जो ये हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ये आर्टिकल 23 से लेकर 24 तक है। इसके अंतर्गत जो पहला अधिकार है आर्टिकल 23 के अंतर्गत, उसे हम सबसे पहले देखते हैं। इसके अंतर्गत मानव व्यापार पहला इसके अंतर्गत है मानव व्यापार, इस पर रोक लगाया गया है। क्या किया गया है? रोक लगाया गया है। दूसरा है बंधुआ मजदूरी, इस पर रोक लगाया गया है। इसके अंतर्गत जो हमारा तीसरा है, ये हुआ पहला, बलात् श्रम, इस पर भी रोक लगाया गया है। यानी कि इस आर्टिकल के अंतर्गत यही बताया गया, जो हमारा आर्टिकल 23 था, इसके अंतर्गत ये बताया गया कि ना तो मानव व्यापार किया जाएगा, ना बंधुआ मजदूरी उन्हें दिया जाएगा, और ना बलात् श्रम। मतलब बलात् श्रम का मतलब यह होता है कि जो जोर जबरदस्ती से श्रम कराते हैं लोगों से, ऐसा हम लोगों को अधिकार मिला है। यदि कोई व्यक्ति हम लोगों के साथ ऐसा करता है तो हम न्यायालय में जा सकते हैं, उसके विरुद्ध केस कर सकते हैं। इसके अंतर्गत शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत जो हमारा दूसरा अधिकार आता है वो आर्टिकल 24 के अंतर्गत आता है। हमारा आर्टिकल 23 हो चुका है, अब आर्टिकल 24 देख रहे हैं। आर्टिकल 24 के अंतर्गत ये बताया गया कि 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को किसी कारखाने में नहीं रख सकते हैं, किसी कारखाने में नहीं रख सकते हैं, कारखाने में उनसे काम नहीं करा सकते हैं, कारखाने में नहीं रख सकते हैं, नहीं रख मतलब किसी कारखाने में उनसे काम नहीं करा सकते हैं। इसके अंतर्गत जो दूसरा अधिकार बताया गया है आर्टिकल 24 के अंतर्गत, ये हमारा आर्टिकल 24 है, इसके अंतर्गत जो दूसरा अधिकार बताया गया है वो बताया गया है कि कोई भी जोखिम भरा काम, चाहे वह कारखाना से संबंधित हो या ना हो, कोई भी जोखिम भरा काम भी उन बच्चों से नहीं करा सकते हैं जो 14 वर्ष की आयु से नीचे हैं। भारा काम नहीं करा सकते हैं, ये था हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके आर्टिकल की हम बात करें, ये हमारा तीसरा मौलिक अधिकार था जो भारतीय संविधान के अंतर्गत हम लोगों को मिला था।
इसके आर्टिकल की बात करें तो यह आर्टिकल 23 से लेकर 24 तक था। आर्टिकल 23 में हमने आप सभी को बताया कि इसमें तीन प्रकार के अधिकार लोगों को मिले थे। एक मानव व्यापार, इस पर रोक लगाया गया था कुछ समय पहले जब राजतंत्र चल रहा था, तो उस समय मानव व्यापार बहुत ज़ोरों से चल रहा था, बंधुआ मजदूरी भी और बलाश्रम भी। इन्हीं सभी को दूर करने के लिए इन सभी को मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखा गया और इस पर रोक लगाया गया, रोक लगाया गया। और आज के समय में अगर किसी व्यक्तियों के साथ, किसी भी भारत के नागरिक के साथ ऐसा होता है, उनका व्यापार किया जाता है, बंधुआ मजदूरी दिया जाता है या बलाश्रम कराया जाता है, यानी कि उनके इच्छा के विरुद्ध उनसे श्रम कराया जाता है, तो वह किसी भी न्यायालय में जा सकते हैं। ये आया हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत, आर्टिकल 23 के अंतर्गत। अब आर्टिकल जो हमारा 24 है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जो उसका जो दूसरा आर्टिकल है आर्टिकल 24, इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो इसमें रखा गया कि 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को किसी कारखाने में नहीं रख सकते हैं। और उनसे दूसरा यह बताया गया कि कारखाने में तो नहीं रख सकते हैं, ये तो हुआ पहला अधिकार। और दूसरा इसके अंतर्गत बताया गया कि कोई भी जोखिम भरा काम भी उनसे नहीं करा सकते हैं, वो चाहे कारखाना से संबंधित हो या ना हो, कोई भी जोखिम भरा काम नहीं करा सकते हैं, इसके अंतर्गत रखा गया। अब चलिए देखते हैं जो हमारा चौथा मौलिक अधिकार है, ये है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके अगर आर्टिकल की बात करें तो यह आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक है। इसमें पहला है आर्टिकल 25 यानी कि अनुच्छेद 25। इसमें क्या रखा गया है, कोई धर्म मानने मानने, प्रचार करने, प्रचार करने, कोई धर्म मानने, प्रचार करने या आचरण करने की स्वतंत्रता, करने की स्वतंत्रता। आर्टिकल है हमारा 25, इसके अंतर्गत रखा गया कोई धर्म मानने की स्वतंत्रता, यानी भारत का प्रत्येक नागरिक किसी भी धर्म को अपना सकता है, उसका प्रचार कर सकता है, यानी प्रचार करने की स्वतंत्रता। तीसरा रखा गया आचरण करने की स्वतंत्रता। इसमें अगर देखा जाए आज के समय में तो जो सबसे गलत अधिकार मिला है, प्रचार करने की स्वतंत्रता, इसी से संबंधित देश में विभिन्न प्रकार के विवाद होते रहते हैं और देश में आंतरिक संघर्ष हमेशा जारी रहता है, यानी कि जातियों के बीच मतभेद जारी रहता है। जातियों के बीच अगर देखा जाए जो झगड़ा का मुख्य कारण होता है, यही होता है प्रचार करने की स्वतंत्रता। सब लोग अपने अपने धर्म का प्रचार करने में लगे रहते हैं और इसी के कारण देश में कई तरह के जो है देखा जाए तो झगड़े चलते रहते हैं हमेशा। अगर इसके दूसरे अधिकार का बात किया जाए जो आर्टिकल 25 के अंतर्गत 26 के अंतर्गत रखा गया, यानी कि अनुच्छेद 26 में रखा गया है, इसमें क्या रखा गया है, ये तो हुआ कोई धर्म मानने, प्रचार करने, आचरण करने की स्वतंत्रता। इसमें रखा गया है धार्मिक प्रबंधन करने की स्वतंत्रता, यानी कि मतलब जैसे कोई धर्म चल रहा है उसमें प्रबंधन करना, प्रबंधन करने का मतलब यह हुआ व्यवस्था देना, उसमें उससे संबंधित यानी मैनेजमेंट का काम करना, ये आता है प्रबंधन के अंतर्गत। आप जब संविधान पढ़ेंगे तो उसमें यही लिखा पाएंगे धार्मिक प्रबंधन की स्वतंत्रता आर्टिकल 26 के अंतर्गत, यानी कि अनुच्छेद 26 के अंतर्गत इसमें है धार्मिक प्रबंधन करने की स्वतंत्रता या प्रबंधन की स्वतंत्रता। धार्मिक प्रबंधन करने की स्वतंत्रता इसमें साफ साफ दिया गया है आर्टिकल 26 के अंतर्गत। इस क्षेत्र में आपको पुलिस भी नहीं रोक सकती है कि आप अपने धर्म का प्रबंधन ना करें, व्यवस्था ना करें। और आर्टिकल 27 यानी अनुच्छेद 27 में बताया गया है धार्मिक संपोषित यानी कि धर्म के क्षेत्र में दान देने की स्वतंत्रता, इसे कहते हैं धार्मिक संपोषित
संपोषित या इसे दान भी कहा जाता है, धार्मिक संपोषित करने की स्वतंत्रता, या इसे दूसरी भाषा में कहा जाए तो धर्म के क्षेत्र में दान देने की स्वतंत्रता, ये भी मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखा गया और उन लोगों को अधिकार मिला है, भारतीय नागरिकों को अधिकार मिला है। देखिए दोस्तों, यदि आप हिंदू हैं, आपको भगवत गीता की ज्ञान नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि आप भारत के नागरिक हैं, इस समाज में जीना चाहते हैं, तो आपको मौलिक अधिकारों के बारे में संपूर्ण जानकारी होना चाहिए। यदि आप अपना अधिकार पाना चाहते हैं तो आपको मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ना पड़ेगा और उसके बारे में संपूर्ण जानकारी लेना पड़ेगा, नहीं तो आपको समाज में जितना अधिकार मिलना चाहिए, यानी सरकार के अंतर्गत जो जो अधिकार मिलना चाहिए, आपको कभी अधिकार वो नहीं मिलेगा। क्योंकि कोई भी सरकार हो, हमेशा वो चाहती है तानाशाह, मतलब तानाशाह बनना, हमेशा वो यही चाहती है कि हम लोगों को हमेशा अपने कदमों में रखें, अपने जूतों के तले रखें, उन्हें हमेशा गुलाम बनाए रखें। लेकिन यदि आपको मौलिक अधिकार के बारे में नॉलेज है, मौलिक अधिकार आपको सभी पता है, तो आप अपने हक की मांग हमेशा सरकार से कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, अगर मुस्लिम है, कुरान का नॉलेज हो या ना हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन संविधान का नॉलेज, यदि आप भारत के नागरिक हैं तो भारतीय संविधान का नॉलेज होना चाहिए और ख़ासकर उसके अंतर्गत जो मौलिक अधिकार रखा गया है, इसका नॉलेज होना चाहिए। चलिए दोस्तों देखते हैं, जो हमारा आर्टिकल 28 है, यानी अनुच्छेद 28 है, धार्मिक शिक्षा शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता, होने की आप धार्मिक शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, और धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता, कहीं अगर धार्मिक शिक्षा चल रही है तो आप वहाँ जा सकते हैं, कोई भी उपासना यानी धर्म से संबंधित कोई भी कार्य चल रहा है तो वहाँ जा सकते हैं और उसके क्षेत्र में आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। ये हुआ धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, मौलिक अधिकार का जो चौथा अधिकार था वह धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। जो हमारा पांचवा है, शिक्षा एवं सांस्कृति संबंधित अधिकार या सांस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार, चलिए आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों अब देखते हैं, जो हमारा पांचवा मौलिक अधिकार है, शिक्षा एवं सांस्कृति संबंधित अधिकार, या इसे संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार भी कहते हैं, इसके आर्टिकल की हम बात करें तो यह 29 से लेकर 30 तक है, यानी कि 29 से लेकर 30 तक है। इसका जो आर्टिकल 29 है, इसमें क्या रखा गया है, तो इसमें रखा गया है अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण, आर्टिकल 29 के अंतर्गत यानी अनुच्छेद 29 के अंतर्गत रखा गया अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण। अब इसमें इसके हित से संबंधित क्या रखा गया है, जैसे इसके भाषा, मान लीजिए भाषा संबंधित हित हो गया, लिपि हुआ और संस्कृति हुआ, आर्टिकल 30 यानी कि अनुच्छेद 30 के अंतर्गत रखा गया है, आर्टिकल 30 यानी कि 30 के अंतर्गत रखा है, इसमें रखा गया है कि जैसे शिक्षण संस्थान जो नहीं होते हैं, स्कूल होते हैं, कॉलेज होते हैं, इसमें रखा गया है शिक्षण संस्थान को, शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार,
यदि वह भारत का नागरिक हो, भारत के नागरिक को शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार है। भारत का कोई भी नागरिक हो तो उसे शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार है। इससे संबंधित कुछ प्रावधान हैं, कुछ शर्तें हैं, कुछ नियमें हैं, उन्हें केवल उन्हें पूरा करना होगा। इसके अंतर्गत एक और अधिकार रखा गया है, इसमें रखा गया है अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक प्रशासन संबंधित अधिकार। इसके अंतर्गत पहला रखा गया शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार। यदि वह भारत का नागरिक है तो शिक्षण संस्थान खोल सकता है। इससे संबंधित कुछ शर्तें होती है, उन्हें केवल पूरा करना होगा। दूसरा रखा गया अल्पसंख्यक प्रशासन संबंधित अधिकार, यानी अल्पसंख्यक व्यक्ति को भी भारत में प्रशासन करने का अधिकार है। उन्हीं यानी प्रशासन संबंधित अधिकार को ही इसमें रखा गया है, लेकिन किसके पक्ष में रखा गया है? केवल अल्पसंख्यक के पक्ष में रखा गया है। अब हमारा बचता है केवल एक मौलिक अधिकार, जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा है। जिसके अंतर्गत जो अदालत द्वारा होती है, अदालतों द्वारा 5 रिटें जारी की जाती है, उनका हम अध्ययन करेंगे अगले वीडियो के अंतर्गत, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और उसमें आपको 5 रिट के बारे में बताएंगे, जो न्यायालय द्वारा 5 रिट जारी की जाती है। हमें उम्मीद है दोस्तों, हमारा ये वीडियो जो संविधान संबंधित वीडियो था, ये ज़रूर समझ में आया होगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए। वंदे मातरम दोस्तों, जय हिंद, जय भीम। मिलेंगे अगले वीडियो में।